तो एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो वाई की इक्वेशन क्या थी? इंस्टेंटेनियस ए साइन ओमेगा टी, वी की वैल्यू क्या थी? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब कोई कहता है जी एक काम करो, जब एक बॉडी मूव कर रही है, जैसे पेंडुलम मूव कर रहा है, ऊपर जाने में वेलोसिटी कम 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 हो रही है, नीचे आने में वेलोसिटी बढ़ती 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 जा रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन एट एडिशन तो है, तो आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलो क्या होगी? तो वी लिखो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, डी वी बाई डी टी ए देगा, डी बाई डी टी ऑफ ये वैल्यू आ गई, ए ओमेगा बाहर आ गया, कॉस ओमेगा टी की डिफ्रेंशिएशन क्या है? माइनस साइन ओमेगा टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, तो ओमेगा बाहर आ गया, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी, ये टर्म आ गई। तो फॉर्मूला लिखें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी, ये लिखें। लेकिन ए साइन ओमेगा टी क्या होता है? वाई, ये लिखें बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फाई इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, तो ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ये लिखें। तो एक्सलेशन की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक है, एक्सलेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई लिखें। ठीक है यहां तक, तो ये एक्सलेशन की वैल्यू आ गई। अब इसमें एक और चीज भी नोट करें, एक्सलेशन की जो वैल्यू आई उसको कैलकुलेट करने का एक और मेथड नंबर टू है। क्या मेथड नंबर टू है? आप कंपेयर करें अपनी बॉडी को मूव करिए ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये जो आपकी एक्सलेशन है ए ओमेगा स्क्वायर, ये सेंट्रिपिटल एक्सलेशन है। सर्कल में घूमने के लिए कौन सी एक्सलेशन चाहिए? सेंट्रिपिटल। सेंट्रिपिटल का फॉर्मूला क्या है? आर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर रेडियस क्या है सर्कल का? ए, तो सेंट्रिपिटल एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या है? ए ओमेगा स्क्वायर। अब ये ओमेगा टी ऑल्टरनेट एंगल है, इसका कॉम्पोनेंट है ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो देखो फटा आंसर आ गया ना, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो ये वाई एक्सिस में है, नेगेटिव वाई एक्सिस में है, तो आप यहाँ नेगेटिव लगा लें, एक्सेलरेशन इज माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और ए साइन ओमेगा टी की जगह क्या पुट कर सकते हैं? वाई। मतलब ये एक ईजी तरीका है, राइट? तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, कोई डाउट है इसमें? अब इस पूरे प्रोसेस में अगर वापस चलें, या उससे पहले एक और चीज़, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला आया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, अगर मुझे मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन, साइन थीटा की वैल्यू 1, तो मेरे पास एक्सेलरेशन की टर्म आएगी, ये मैक्सिमम हो जाएगी। मैग्नीट्यूड पे क्वेश्चन होते हैं, तो मैग्नीट्यूड इसका क्या आएगा? ए ओमेगा स्क्वायर। नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज ए ओमेगा स्क्वायर। वेलोसिटी होती है ए ओमेगा, और एक्सेलरेशन मैक्स क्या होती है? ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नोट करें। मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड पे आएगा क्वेश्चन। तो इसमें नोट करने वाली चीज ये है कि जब मैंने ये डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, डिस्प्लेसमेंट का, तो मैंने कंपेयर किया था अपनी बॉडी को विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और मैंने कहा था देखो ये बॉडी यहां पे है और डिस्प्लेसमेंट क्या है इसकी? वाई। एक्स भी तो है, कोऑर्डिनेट तो दो चेंज हो रहे हैं ना, एक्स एंड वाई, सिर्फ वाई ली, एक्स तो ली नहीं, पैरेलल एक्स भी चलती है, आप चाहें तो एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी भी कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। पर मैं क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि जो मैंने एग्जाम्पल दिए वो हमेशा मीन पोजिशन से स्टार्ट हुए, मीन से डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो, डिस्प्लेसमेंट मैक्स हो गई, तो वो जो मैच करेगी वो वाई के साथ मैच करेगी, जीरो मैक्स हो गई, वो एक्स के साथ मैच नहीं करेगी। ठीक, तो हम जो थ्योरी बनाते हैं वो एक एक्सिस पे बनाते हैं, हमने वाई के साथ ही किया, जो हर जगह एप्लीकेबल है, तो ऐसा नहीं कि एक्स नहीं लेना, एक्स भी ले सकते थे, उसके रिजल्ट्स और कैलकुलस डिफरेंट लगेगा उस पर, बट हम यहाँ पर वाई के साथ कॉरस्पॉन्ड करेंगे अपने डिस्प्लेसमेंट, वाई के साथ ही स्टैंडर्ड काम करेंगे। फिर आप ये सोचेंगे कि पेपर में क्या करें, एक्स भी तो हो सकता है वाई भी तो हो सकता है, एग्जाम में इक्वेशन बनानी नहीं आती, पूछने वाला आपको क्वेश्चन खुद देगा, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी लेना है या ए साइन ओमेगा टी लेना है, तो उसके बाद अगर वेलोसिटी पूछता है तो आप कैलकुलस यूज करके वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कैन बी कैलकुलेटेड। तो ऐसा कभी नहीं होता, वो कहेगा कुछ भी इक्वेशन ले लो, ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा, अगर कह भी दे कि कुछ भी इक्वेशन लो, फिर आप स्टैंडर्ड लेना वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, फिर कुछ मत लेना,
फिर स्टैंडर्ड मीन पोजीशन है, पर अगर कुछ नहीं बोलता फिर वो इक्वेशन साथ देगा क्वेश्चन के अंदर, उसमें आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। पर आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई वो इसके इक्वल आई। नोट करने वाली बात यह है कि जो एक्सेलरेशन है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई आया। अब माइनस साइन क्या शो कर रहा है इसको समझते हैं। देखो इसके अंदर जो ओमेगा तो कांस्टेंट है किसी भी बॉडी का, क्योंकि ओमेगा 2 पाई बाय टी होता है। तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है विद नेगेटिव साइन। तो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है विद नेगेटिव साइन। अब इसका नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? नेगेटिव साइन का मतलब यह है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट इधर है तो एक्सेलरेशन अपोजिट साइड है। ये कैसे हो सकता है? ये तो सुना ही नहीं मैंने। ये तो सुने कि ए इधर है, वाई इधर है, तो डिफ्रेंशिएट किया, वी भी इधर है, ए भी इधर है, अपोजिट कैसे हो गया? देखो मैं आपको दो एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। एक जिसमें एक मास है, एक मास है, मैंने मास को उठाया, यहाँ पे फेंक दिया, फोर्स लगाई, मास यहाँ गया, फिर उठाया यहाँ पे रख दिया, फिर उठाया यहाँ पे रख दिया। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर हो रही है? मान लो इधर। वेलोसिटी भी किधर है? इधर। फोर्स भी किधर है? इधर। एक्सेलरेशन भी किधर है? इधर। बातें खत्म। तो नेगेटिव साइन का कोई चांस है ही नहीं। अब दूसरा एग्जाम्पल, मैंने मास के साथ एक स्प्रिंग ले लिया, स्प्रिंग को हाथ में पकड़ लिया, मास को उठा के फेंक दिया। जब मास गया स्लो मोशन में, स्प्रिंग एक्सपैंड हुआ, फॉर एन इंस्टेंट मास रुका, अब स्प्रिंग की वजह से मास वापस आएगा। तो इसमें क्या प्रेजेंट है? रिस्टोरिंग फोर्स। स्प्रिंग में क्या डेवलप हो गई? रिस्टोरिंग फोर्स। फॉर रिस्टोरिंग फोर्स ब्लॉक को वापस लेके आएगा, ठीक। अब सोचो मैंने डिस्प्लेसमेंट कहां करवाई थी? इधर। रिस्टोरिंग फोर्स कहां है? ऑपोजिट। रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन कहां है? ऑपोजिट। बॉडी कहां आना चाहेगी? ऑपोजिट। तो ऑपोजिट आते हुए एक्सेलरेट करेगी। एक्सेलरेट क्यों करेगी? क्योंकि यहां पे वेलोसिटी जीरो है, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी इंक्रीज 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 इंक्रीज। तो मैं जितनी ज्यादा स्प्रिंग को खींचूंगा तो मैं उतने ही ज्यादा उसमें वाई प्रोड्यूस करूंगा। डिस्प्लेसमेंट जितनी ज्यादा होगी रिस्टोरिंग फोर्स भी उतनी ज्यादा होगी, वेलोसिटी का इंक्रीज भी उतना ज्यादा होगा और एक्सेलरेशन भी उतनी ज्यादा होगी और डायरेक्शन एक्सेलरेशन की नेगेटिव होगी। तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन। पर इंपॉर्टेंट ये है, नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ, सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट सिर्फ और सिर्फ तभी रख सकता है जब सिस्टम में रिस्टोरिंग फोर्स है। अगर रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है तो उनमें नेगेटिव साइन नहीं आता। सिंपल है। तो अब जैसे मैंने ब्लॉक को उठा के रख दिया, उसमें तो रिस्टोरिंग फोर्स नहीं ना। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? मैंने ब्लॉक को यहां रख दिया, क्या ब्लॉक अपने आप वापस आएगा? नहीं आएगा। स्प्रिंग के साथ रखा, क्या आएगा? आएगा। पेंडुलम है, पेंडुलम को मैंने मास को यहां ले गया, छोड़ दिया, क्या वो वापस आएगा? वो आएगा। अगर मैं पेंडुलम को यहां छोड़ देता हूं वापस आएगा, यहां से स्टार्ट करके छोड़ता हूं वापस आएगा यहां पे। तो इसका मतलब पेंडुलम के अंदर भी क्या डेवलप होती है? कोई ना कोई रिस्टोरिंग फोर्स। स्प्रिंग मास सिस्टम में क्या डेवलप होती है? रिस्टोरिंग फोर्स। क्लियर है यहां तक? तो जिनमें रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप होती हैं उनमें एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का नेगेटिव साइन है, और मोशन तो पीरियोडिक है ही है क्योंकि ओमेगा बीच में आ रहा है, ओमेगा 2 पाई बाय टी है। तो वो पीरियोडिक मोशंस इंपॉर्टेंट है, वो सारी पीरियोडिक मोशंस जिनमें एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है और नेगेटिव साइन बीच में आता है, मतलब सिस्टम में रिस्टोरिंग फोर्स प्रेजेंट है, उन स्पेशल पीरियोडिक मोशंस का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो दुनिया की सारी पीरियोडिक मोशंस सिंपल हार्मोनिक नहीं है, लेकिन सारी सिंपल हार्मोनिक मोशन पीरियोडिक तो हैं। तो दुनिया में तो चांद सितारे भी गोल गोल घूम ही जा रहे हैं, क्या वो SHM में है? ना, वो SHM में नहीं है। लेकिन जिनमें रिस्टोरिंग फोर्सेस हैं, आप बॉडी को डिस्प्लेस करें और बॉडी अपने आप वापस आए किसी फोर्स से, तो उन सिस्टम के अंदर जिनमें रिस्टोरिंग फोर्स है और आप दूर छोड़ के आ रहे हैं बॉडी को, बॉडी अपने आप वापस आ रही है, तो वो सारी पीरियोडिक मोशंस क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक। तो अब स्टार्ट है चैप्टर, जिसका चैप्टर का नाम क्या है? SHM। तो हम हर SHM के एग्जांपल में ये इक्वेशन तो फॉलो करेंगे। दिस इज इक्वेशन ऑफ SHM, लिख लेना इक्वेशन ऑफ SHM। कोई भी सिस्टम को SHM में प्रूव करना है तो A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई तो लगेगा, A इज माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई तो लगेगा।
ठीक है, तो इफ इन एनी पीरियोडिक मोशन एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन, दिस कंडीशन फॉर अ बॉडी इज इन कंडीशन है बॉडी टू बी इन एसएचएम, बता दिया मैंने। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज सेड टू बी, अ पार्टिकल इज सेड टू बी इन एसएचएम इफ इट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट मीन पोजिशन अंडर द एक्शन ऑफ, अंडरलाइन करो, रिस्टोरिंग फोर्स। तो कौन सी फोर्स होनी जरूरी है? रिस्टोरिंग फोर्स होनी जरूरी है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन। तो मैंने बता दिया इस तरीके से। अब जैसे एग्जाम्पल है, किसी भी एग्जाम्पल में जैसे स्प्रिंग एग्जाम्पल है, एक स्प्रिंग और मास सिस्टम है, तो मान लेते हैं एक स्प्रिंग है और एक मास है। मैंने मास को यहाँ डिस्प्लेस करके यहाँ ले आया, तो इसमें क्या डेवलप हो गई? रिस्टोरिंग फोर्स। मैं जितना ज़्यादा वाई इंक्रीज करूँगा, रिस्टोरिंग फोर्स वापस आने की उतनी ज़्यादा होगी। तो वापस आने के लिए साइन क्या लगता है रिस्टोरिंग में? नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स रिस्टोरिंग फोर्स है। तो स्प्रिंग मास सिस्टम में स्प्रिंग की रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? माइनस के वाई, किया था हमने के स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। तो क्वेश्चन है, आप क्या इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हो मूव करने का? मतलब एक जो ये पार्टिकल है उसका टाइम पीरियड क्या होगा ये बताओ। तो देखो, या ओमेगा बता दो क्या है, आप कर सकते हो, या प्रूव कर सकते हो कि क्या ये सिस्टम एसएचएम में है। पहले प्रूव करो कि ये स्प्रिंग मास सिस्टम एसएचएम में है। तो पता है क्या करें, रूल नंबर वन, किसी भी बॉडी को एसएचएम में प्रूव करने के लिए सबसे पहले ढूंढें रिस्टोरिंग फोर्स। तो स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? माइनस के वाई। फोर्स को लिख दें मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब ध्यान से देखें, ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रूव हो गया कि ये किसकी इक्वेशन है? एसएचएम की। तो आप एसएचएम की इक्वेशन आपने क्या याद की थी? माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। आप इन्हें कंपेयर कर लें, कंपेयर करके आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? ओमेगा की। ओमेगा क्या होता है? 2π/T इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k/m। तो टाइम पीरियड क्या होगा? 2π अंडर रूट ऑफ m डिवाइडेड बाय के। आंसर ऐसे निकलते हैं टाइम पीरियड। तो बात समझ में आ रही है? तो किसी भी बॉडी को एसएचएम में प्रूव करने के लिए, जैसे एग्जांपल है, ऐसे हम रोज करेंगे, सबसे पहले क्या ढूंढनी होती है उसके अंदर? रिस्टोरिंग फोर्स। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, से एक्सेलरेशन एसएचएम की इक्वेशन से कंपेयर, कंपेयर करके ओमेगा, ओमेगा से टी। ऐसा हम करेंगे, एग्जांपल दे रहे हैं। तो एक इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम,